वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका लेक्चर सीरीज अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो हमने टॉपिक शुरू किया था उसके अंदर लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जैसा कि आपको फॉर्मूले दिख रहे होंगे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर हमने टू केस में समझा था, इरिडीमेबल नॉन रिडीमेबल के केस में और रिडीमेबल के केस में। आज उसी पर हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे और हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। तो आप देखिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्वेश्चन ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखा है। एक्स वाई एंड कंपनी इशू 2000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच एट 95। तो कंपनी ने क्या किया, 100 का प्रेफरेंस शेयर था उसको 95 में इशू किया है। तो उसका मतलब रुपीज 5 डिस्काउंट पे इशू किया है। तो ये अपना प्रोसीड्स हमें दे रखा है। कैलकुलेट द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर, और हमें बोला है कि आफ्टर टैक्स कॉस्ट निकालनी है। अब आप मुझे बताइए कि इन दो लाइन में आप देखें, पहले में तो बोला है कि इशू किया है 2000 10% प्रेफरेंस शेयर और रुपीज 100 इज 95 पर। तो इस लाइन में हमें फेस वैल्यू 100 पता लगती है, हमें 95 जो है नेट प्रोसीड्स पता लगता है, और सेकंड लाइन में डायरेक्ट कह दिया है कि आफ्टर टैक्स कॉस्ट हमें निकालनी है। इसका मतलब ये कौन सा प्रेफरेंस शेयर है, नॉन रिडीमेबल है रिडीमेबल है? तो आपको याद हो मैंने बोला था नॉन रिडीमेबल में नंबर ऑफ ईयर नोट अवेलेबल होंगे और या फिर इरिडीमेबल वर्ड देगा। तो यहाँ पे इरिडीमेबल तो नाम दिया नहीं प्रेफरेंस शेयर के साथ, इरिडीमेबल या नॉन रिडीमेबल वर्ड नहीं दिया और एन भी नहीं दिया, ठीक है ना। यदि एन देता, एन अवेलेबल होता तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होता। तो ये कौन सा है, आप समझ गए होंगे, नॉन रिडीमेबल है। तो ये वाली सिचुएशन है इरिडीमेबल नॉन रिडीमेबल। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स, डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100। अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन में इन्होंने बताया नहीं है कि ये शेयर जो है आपका कि शेयर रिडीमेबल है इरिडीमेबल है। तो हमें जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे कि रिडीमेबल वर्ड दे रखा है तो हम उससे पहचान लेंगे कि रिडीमेबल है, नंबर ऑफ ईयर दे रखा है तो हम पहचान लेंगे इरिडीमेबल है। तो यहाँ पे कौन सा है, नॉन रिडीमेबल है। नॉन रिडीमेबल हमने फॉर्मूला लिख दिया डिविडेंड अपॉन एनपी इनटू 100। अभी तक हम एक एक क्वेश्चन के अंदर एक एक शेयर का निकालते थे, इस क्वेश्चन के अंदर मैं दोनों का निकाल के बता रहा हूँ। एक शेयर का भी वही आंसर आएगा और टोटल शेयर का भी आंसर वही आएगा। मतलब आप एक शेयर का निकालें तो भी वही आएगा और 2000 शेयर का निकालें तो भी वही आएगा। जैसे हम देखें तो अपने पास फॉर्मूला है डिविडेंड अपॉन एनपी। तो डिविडेंड आपको बताइए कि जब 10% प्रेफरेंस शेयर है, कितने परसेंट है बोलो, 10%। तो इसका मतलब ये जो 10% आपको बता रहा है ये क्या बताता है, रेट ऑफ डिविडेंड बता रहा है। तो यदि आप यहाँ पे डिविडेंड कैलकुलेट करना चाहें तो फॉर्मूला अपना क्या था, फेस वैल्यू इंटू डिविडेंड रेट, फेस वैल्यू इंटू डिविडेंड रेट। यदि हम देखें तो फेस वैल्यू है कितने की, देखो रुपीज़ 100 की है, डिविडेंड रेट कितने की है 10% की। तो ये कितना आएगा रुपीज़ बोलो, 10 आएगा नहीं है, तो यहाँ पे हमने 10 लिख दिया। अपॉन नेट प्रोसीड्स की हम बात करते हैं तो नेट प्रोसीड्स हमें दे रखे हैं 95 इंटू 100 करें तो 10.53 एक शेयर का आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आया है आफ्टर टैक्स। हमें अब एक शेयर को, ईच शेयर को टोटल शेयर पर करना है। तो वही हमने 10 लिखा यहाँ पे और 95 लिखा हमने, 10 अपना डिविडेंड था, हमने डीपीएस निकाल दिया था फेस वैल्यू इनटू डिविडेंड रेट से। 95 हमें दे रखा था कि इशू किया है 95 पर, तो हमने एनपी भी लिख दिया। अब नंबर ऑफ शेयर 2000 थे तो 2000 से इंटू कर देंगे तो भी आंसर वही आएगा। आप देखें तो हमने एक शेयर से भी समझा और अनेक शेयर टोटल शेयर से भी समझा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि आंसर सेम आता है, आप चाहे एक शेयर से करके आए चाहे आप टोटल शेयर से करके आए। अब हमने प्रेफरेंस शेयर्स को समझाया है, अब हमें समझना है कि जो प्रेफरेंस शेयर के अलावा हमारी जो कॉस्ट के अंदर होते हैं इक्विटी शेयर्स भी होते हैं, तो उनकी कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इक्विटी शेयर्स की तरफ हम चलते हैं, आइए देखिए। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की बात हमें दे रखा है, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको इक्विटी शेयर की तरफ ले चलूंगा। जैसे आप यहाँ पे देखें तो जब क्वेश्चन में जैसे अग्रवाल लिमिटेड दे रखा है, अग्रवाल लिमिटेड इशू 1000 10% प्रेफरेंस शेयर और रुपीज 100 इज रिडीमेबल। अब यहाँ पे रिडीमेबल वर्ड है तो रिडीमेबल आफ्टर क्या बोल रहा है, 10 ईयर्स। तो ये एन दे रखा है आपको, ये क्या दे रखा है, एन। तो एन दे रखा है तो आपका कौन सा प्रेफरेंस शेयर है बोलो, बोलो रिडीमेबल वाला। तो रिडीमेबल का हम फॉर्मूला लगा लेंगे, रिडीमेबल में ध्यान रखना एन वाला फॉर्मूला लगता है। जैसे हम डिविडेंड अपॉन एनपी करते थे ना, डिविडेंड प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस एनपी अपॉन एन, इसको पूरे के अकाउंट में करेंगे आरवी, रिडीमेबल वैल्यू प्लस एनपी अकाउंट टू, जहां प्लस होता है वहां टू का डिवाइड लगता है, जहां माइनस होता है वहां एन का डिवाइड लगता है, इनटू 100। तो ये हम रिडीमेबल के केस में इस तरीके से ये इस वाले फॉर्मूले से हम करेंगे क्वेश्चंस को। हम देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है, आप देखें तो सबसे पहले हमें डिविडेंड निकालना है। तो डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, फेस वैल्यू इनटू डिविडेंड रेट। देखो कितने हैं आप देखें क्वेश्चन में कितने प्रेफरेंस शेयर है और कितने परसेंट है। देखो आप कितने प्रेफरेंस शेयर हैं, आप देखो प्रेफरेंस शेयर हैं 1000 और 10% हैं, तो
है ना 10% और 100 का एक है, तो फेस वैल्यू 100 इंटू 10% कितना आ गया, 10 आ गया। हम एक शेयर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। रिडीमेबल वैल्यू हमें बोल रहा है कि रिडम्पशन आफ्टर 10 ईयर है, पर किस पर है, एट कॉस्ट है। एट कॉस्ट का मतलब ये हुआ रिडीमेबल किस पर है, आपकी फेस वैल्यू पर है। तो रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर फेस वैल्यू तो 100 ही रहेगी, रिडीमेबल वैल्यू ध्यान रखना। रिडीमेबल का मतलब हुआ कि जिसमें हम पेमेंट करते हैं, रीपेमेंट करते हैं ना। नेट प्रोसीड्स की हम बात करें तो तीन सिचुएशन है हमारे पास नेट प्रोसीड्स की। आप देखें तीन सिचुएशन कौन कौन सी हैं, आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको गिवन है कि हमें क्या करना है, हमें एनपी निकालना है। कब निकालना है, द कॉस्ट ऑफ इशू रुपीज 4 दे दिए, इशू एक्सपेंसेस आपको रुपीज 4 दे दिए। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालनी है, यदि ये प्रेफरेंस शेयर 10 एट पार पर हो, एट 5% प्रीमियम पर हो, एट 2% डिस्काउंट पे हो। तो इसे समझिएगा हमने क्या किया है, हमें पता है कि नेट प्रोसीड्स तीन सिचुएशन में हमने समझा था। इससे पहले वाली वीडियो थी, लास्ट वीडियो से पहले वाली वीडियो, कि फेस वैल्यू पर होता है तो फॉर्मूला क्या लगता है बोलो, फेस वैल्यू माइनस इशू एक्सपेंसेस। और जब प्रीमियम पर होता है तो फेस वैल्यू माइनस इशू एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ इशू में प्रीमियम ऐड हो जाता है। और जब डिस्काउंट पर होता है तो उस फेस वैल्यू माइनस इशू एक्सपेंसेस में से डिस्काउंट भी क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। जैसा कि हम देखें यहाँ क्वेश्चन के अंदर, तो हमारे पास जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, आप देखेंगे प्रेफरेंस शेयर की जो इन्फॉर्मेशन दी है, मैं यहाँ पे रख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं उनकी जो हमारे पास फेस वैल्यू है वो तो 100 है, ठीक है ना। इशू एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं रुपीस 4 दे रखे हैं, द कॉस्ट ऑफ इशू रुपीस 4, तो 4 हमने लिख दिया। तो यहाँ पे एट पार की सिचुएशन में, फर्स्ट सिचुएशन थी, एट पार की सिचुएशन में अपना एनपी कितना आ जाएगा, फेस वैल्यू माइनस इशू एक्सपेंसेस या कॉस्ट ऑफ इशू 96 आ जाएगा। लेकिन प्रीमियम के केस में क्या होगा, ये 5% 100 रुपये का 5 रुपये प्रीमियम ऐड होगा, तो हम इसी फेस वैल्यू 100 माइनस इशू एक्सपेंसेस 4 कर रहे थे, वहाँ हम प्रीमियम 5 ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 101 आ जाएगा। और ऐसे ही इशू जब डिस्काउंट पर होगा तो डिस्काउंट 2% का मतलब है रुपीज़ 2 रुपये डिस्काउंट होगा, तो फेस वैल्यू में 100 में से कॉस्ट ऑफ इशू इशू एक्सपेंसेस रुपीज़ 4, डिस्काउंट रुपीज़ 2 हम लेस कर देंगे तो 94 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने वैल्यू निकाली है, हमने क्या निकाला है आपको पता है, हमने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट निकालनी है। और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या फॉर्मूला है देखो, डिविडेंड आरवी माइनस एनपी अपॉन एन, माइनस होता है तो एन लगता है, आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 × 100। इससे क्या आएगी आपकी आफ्टर टैक्स कॉस्ट आएगी। तो हमने यहाँ पे डिविडेंड रुपीज़ 10 रख दिया, फेस वैल्यू वाला समझ लीजिए आप, प्लस मैच्योरिटी वैल्यू रिडीमेबल वैल्यू जो है आपकी कितनी है बोलो, बोलो बच्चों 100 है। फेस वैल्यू 100 माइनस रुपीज़ 4 किया था याद हो, 96 आया था एनपी, अपॉन एन नंबर ऑफ ईयर इसमें दे रखे हैं 10 ईयर्स दे रखे हैं। आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिए दोबारा कि रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर, तो एन दे रखा है आपको 10 दे रखा है, इंटू 100 प्लस आरवी 100 प्लस एनपी 96 अपॉन 2। तो यदि हम इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने में बच्चे गलती कर देते हैं, पहले हम 10 रखेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे 100 माइनस 96, 4 में डिवाइड करेंगे 10 का तो 0.4 आएगा, इस तरीके से करना है सोल्व। अपॉन इसको डिवाइड वाले को करेंगे 98 आएगा, इसको प्लस करके 100 से इंटू करके 98 का डिवाइड करेंगे 10.61 आपका आ जाएगा। अब ये 10.61 जो आया है आपका, ये क्या है बोलो बच्चों, ये है आपका आफ्टर टैक्स। अब बिफोर टैक्स निकालने के लिए हमने लास्ट भी देखा था कि आफ्टर टैक्स में 1 माइनस टैक्स रेट का डिवाइड कर देंगे, टैक्स रेट 30% है, तो 10.612 डिवाइडेड 1 माइनस 0.30 मतलब 0.70 का डिवाइड कर देंगे तो 15.16% आपका आ जाएगा। ये कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर है कब, जब आपका इशू एट पार हो। अब इशू यदि प्रीमियम पर है और इशू यदि डिस्काउंट है तो चेंज क्या होगा बताओ, चेंज किस में आएगा बताओ, चेंज खाली किस में आएगा, चेंज एनपी में चेंज आएगा। एनपी जैसे आप देखें इशू एट प्रीमियम के केस में 5 रुपये ऐड हो जाएगा, 96 में 101 हो जाएगा, ठीक है ना। और एनपी इशू एट डिस्काउंट के केस में 2 रुपये था तो 96 में से 2 लेस हो जाएगा, 94 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम एनपी प्रीमियम पर 5 रुपये ऐड करके 101 पे भी कर सकते हैं और डिस्काउंट 2 रुपये लेस करके भी हम कर सकते हैं, और एज इट इज़ हम इसको ऐसे करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो हमने निकाली है वो कैसे निकाली है। अब हम बढ़ते हैं, मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर के क्वेश्चन तो करेंगे, हम साथ में क्या समझेंगे बोलो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल समझेंगे। तो इक्विटी कैपिटल के फॉर्मूले में यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। इक्विटी कैपिटल आप देखें तो जब आपने रेशियोज पढ़े थे आपको याद हो, तो रेशियो में मैंने आपको सिखाया था कि बच्चों ये जो रेशियो होते हैं, ये जो आपके इन्वेस्टर रेशियो होते हैं वो आपके काम आते हैं, जैसे डिविडेंड यील्ड या डिविडेंड प्राइस अप्रोच देखें तो डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस।
अर्निंग यील्ड या अर्निंग प्राइस अप्रोच देखें तो अर्निंग अपॉन मार्केट प्राइस, तो उसमें कॉमन क्या है, मार्केट प्राइस इन 200। लेकिन डिफरेंट क्या है, जब डिविडेंड की आप केस है तो डिविडेंड ले रहे हैं, जब अर्निंग का केस है तो अर्निंग ले रहे हैं, नहीं ले रहे बताओ, ले रहे ना, तो यहाँ पे ये फॉर्मूले हम लेंगे। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ग्रोथ अप्रोच देता है, जब आप डिविडेंड पॉलिसी पढ़ेंगे तो वहाँ एक थ्योरी आएगी जिसको हम क्या बोलेंगे, बोलो बच्चों, उसको बोलेंगे गॉर्डन ग्रोथ अप्रोच। तो गॉर्डन जो पर्सन थे, उन्होंने जो ये जो थ्योरी दी थी, उन्होंने कहा था कि चाहे आप डी से करो चाहे आप ई से करो, डी और ई अपॉन एमपी आप करेंगे, प्लस ग्रोथ रेट करना है आपको, प्लस क्या करना है, ग्रोथ रेट। और ग्रोथ रेट क्या होती है, हमें क्वेश्चन में देता है तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करते हैं, रिटेंशन रेशियो को रेट ऑफ रिटर्न से इनटू कर देते हैं। और रिटेंशन रेशियो कैसे निकलता है, 1 माइनस डिविडेंड पे आउट। इसको हम आगे के जो डिविडेंड पॉलिसी वाले चैप्टर में वहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पे मोस्टली सीधा ग्रोथ रेट देगा, ये चीज़ें यहाँ पे काम में नहीं आएंगी, डिविडेंड पॉलिसी में काम में आएंगी। तो आई थिंक आपको आज जो हमने प्रेफरेंस शेयर पर क्वेश्चन किया और ये जो इक्विटी शेयर के हमने मेथड समझे, ये आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।